नमस्कार ओम शांति पाथ ऑफ सक्सेस में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमने जैसे पाथ ऑफ सक्सेस में बात की है आज दिन तक बहुत सारे ऐसे हमारे इस कार्यक्रम में वीआईपी पधारे हुए हैं और उनसे बात करने की कोशिश की है ज्यादातर हमारा फोकस रहा है एजुकेशन नशा और स्वास्थ्य और देश के प्रति उनके देश के प्रति क्या क्या कार्य हैं क्या क्या विकास उन्होंने लाया है उनसे जानने की कोशिश करते हैं आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं नीलम कुमार कुमारी जी जो गांव चरदगढ़ 2021 जिला इक्कीस जिला अध्यक्ष हैं इनके का इनके कार्यकाल में काफी विकास इन्होंने किया हुआ है दूसरे हैं अंजू जी नगर परिषद मैथपुर के अध्यक्ष हैं इनकी देखरेख में मैथपुर बसेड़ा में काफी इन्होंने भी बहुत विकास किया हुआ है दोनों ही आध्यात्मिक के इस राह पर चले हुए हैं और ब्रह्मा कुमारी इनका काफी सहयोग रहा है जैसे कि देखा जाए आजकल आध्यात्मिकता की कितनी जरूरत है लोगों को जैसे हम पूजा पाठ करते हैं पूजा पाठ करने के बाद भी लोगों को संतुष्टि नहीं मिल पाती है तो बहुत सारी जगहें वो देखते हैं कि हम कहाँ जाके अपने आप को शांति प्राप्त करें तो इन्होंने इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में आकर सहयोग भी दिया

कि आपने विकास बहुत लाया लेकिन सबसे ज्यादा आपको क्या जरूरत लगी जिसमें ज्यादा विकास आपने दिया हुआ है देखिए ऐसा है गांव में विकास तो बहुत जरूरी होता है पर जितना मैं अपनी ओर से कर पाई मैं उसके विषय में बताऊंगी सबसे पहले हमने शिक्षा के ऊपर फोकस किया जी। शिक्षा के लिए हमने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से 20 लाख रुपया सुपर 50 कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें कि हम गरीब बच्चों को जो कि मेघावी बच्चे होते हैं पढ़ने में लायक होते हैं पचहत्तर तो परसेंट से ऊपर जिन बच्चों के अंक होते हैं उनका एक टेस्ट लेते हैं उस टेस्ट में जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उन्हें हम सुपर फिफ्टी की तरफ से नीट और जेई का कोर्स करवाते हैं ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सके इसके लिए हमने बीस लाख रुपए अपने जिला परिषद की तरफ से गरीब बच्चों के लिए दिया के लिए। जी हाँ और हमने एक अपने की तरफ से ही सेंटर जो कि हमारा बंगाना में है अच्छा वहाँ पे हमारे डॉक्टर बैठते हैं जी जो कि टेस्ट वगैरह भी करते हैं जी। और पीजीआई में लाइव ही डॉक्टरों के साथ हम मीटिंग करवाते हैं जी। किसी भी तरह की किसी को प्रॉब्लम है तो तो टेलीमेड सेंटर में जाकर वो अपना इलाज करवा सकते हैं वहाँ से डॉक्टरों के लिए जैसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है तो डायरेक्ट वहाँ से अपॉइंटमेंट ली जा सकती है और डायरेक्ट जाकर लोग अपना इलाज पी जी करवा भी सकते हैं किसी भी वर्ग के सभी के लिए जी जी तो अंजू जी हम आपकी तरफ आते हैं जैसे कि अभी मैम ने एजुकेशन के बारे में बताया आपने भी काफी इस नगर परिषद के बहुत कार्य किए और विकास लाया आपका किस तरफ ज्यादा एक सोच चलती है कि मुझे अब ये ज्यादा कार्य करना है नमस्कार मैम ओम शांति जी मैम मैं नगर परिषद मैथपुर बस डेड़ा में पहले पार्षद थी जी 10 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए जी। और अब मुझे चेयरमैन का पद मिला है हाँ जी मैंने पहले भी बहुत सेवा की है अपने समाज की और पहले भी काफी लोगों का फायदा किया जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना स्वास्थ्य के बारे में और लोगों के बच्चों जो गरीब बच्चे हैं उनको डीसी साहब से भी काफ़ी फायदा दिलवाया है अपने काम में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये योजना चलाई और गांव गांव नहीं हमारा शहर है शहर में भी हर घर के लिए उन्होंने यह योजना बताई हमें और हमने आगे इसका इम्प्रूवमेंट किया इस योजना के तहत गरीब लोगों को बहुत फायदा हुआ जिसमें लोगों को एक लाख पैंसठ हजार रुपया मिला और उन्होंने अपने कच्चे मकान के लिए उसको उसको मतलब ढा दिया उसके बाद उन्होंने उस कच्चे मकान को दोबारा बनाया और उन्हें एक कमरा रसोई लैटरिंग बाथरूम मिला अच्छा। जिससे लोग बहुत खुश हैं और अब बढ़कर जे पैसे एक लाख पचासी हजार रुपए हो गए हैं अच्छा। जिसमें मेरा वार्ड जिसमें आठ सौ जनसंख्या है और मेरे वार्ड में ही पैंतीस लोगों के मकान बनकर तैयार हो गए है और ग्यारह 11 लोगों के और मकान बनने जा रहे हैं हमारे पूरे नगर परिषद में 465 तक मकान बनकर तैयार हो बहुत अच्छी बात है आपसे ही मैं एक प्रश्न जानने की कोशिश करती हूँ जैसे कि आजकल महिलाएं जैसे हाउसवाइफ हैं या जॉब करती हैं या बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ लिखी हैं लेकिन घर पे बैठती हैं वो आ, मतलब मैट्रिक के बाद या ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उनके लिए आपने क्या सोचा है और जो विडो हो चुकी हैं उनकी पेंशन लगी हुई है लेकिन कुछ समय के बाद उनकी पेंशन बंद होती है उसके लिए क्या आपने सोचा हुआ है जो मैम आप विडो की बात कर रहे हैं ऐसा तो कुछ नहीं है कि उनकी पेंशन बंद हो गई है मैं खुद पेंशन के डॉक्यूमेंट्स लेके वेलफेयर दफ्तर जाती हूँ और हर किसी को पेंशन है हम जयराम सरकार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सबसे पहले जिस टाइम वो आए उन्होंने आते टाइम ही 80 साल एज थी जिससे 70 वर्ष कर दिया और कुछ लोगों की शिकायत की थी कि 70 वर्ष के जाते-जाते लोगों की डेथ हो जाती है फिर उन्होंने इस टाइम अभी थोड़ा टाइम ही हुआ 6-7 महीने तो उन्होंने बजट पास किया जिसमें उन्होंने सब औरतों की जो औरतें और मर्द है उनकी जो एज है साठ वर्ष कर दी है चाहे उसका बेटा सरकारी नौकरी पर क्यों ना हो उसे भी वर्ष की आयु में पेंशन दी जाएगी अच्छा, अच्छा, और मैम आपने लड़कियों के बारे में कहा है ऐसा तो कुछ नहीं है अब तो लड़कियों को पूरा हक है जी, जी। कि वो अपने समाज में अच्छी तरह से काम करें और पढ़ लिख कर अपना भविष्य लेकिन कहीं कहीं गांव में ऐसे देखने को आता जैसे कि हम एक हिमाचल के हैं जैसे कोई हिमाचल की बहनें हैं हिमाचल की लड़कियां हैं वो एक बिल्कुल अलग शहर के थोड़ा सा अलग गांव के हैं तो उनके लिए गांव गांव में जाकर आपका क्या सहयोग रहा रहा या आप क्या सहयोग देना चाहते हैं कोई एक सर मैम हम जाते हैं गांव में जाते हैं मगर मेरा तो शहर ही है फिर भी हम गांव में जैसे कोई रिश्तेदारी है उनको बताते हैं कि लड़कियों को उनका हक देना चाहिए और उन्हें एजुकेटेड करना चाहिए ताकि वो भविष्य में कोई किसी चीज की कमी उन्हें महसूस ना अच्छा अच्छा ऐसा भी हाँ जी और एजुकेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन के लिए हम पेरेंट्स को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और आगे जैसे मैं भी एक लड़की हूँ मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने दस साल समाज सेवा की है और मेरी फैमिली जो है मेरा पूरी तरह साथ निभाते हैं मेरी ज्वाइंट फैमिली जी मैम आपके पास आते हैं नीलम जी जैसे कि अभी मैंने एजुकेशन की बात की तो आपने कभी ऐसा देखा कि कहीं एजुकेशन नहीं है तो वहाँ पर आपने क्या जाके कार्य किया कि नहीं यहाँ पर एजुकेशन नहीं है मुझे यहाँ पर जाके बहनों को या फिर लड़कियों को ये सहयोग देना चाहिए कभी ऐसा आपके मन में संकल्प आया कुछ जी हाँ मेरे ध्यान में कुछ ऐसी बच्चियाँ आई थी जी। जिनकी पढ़ाई के लिए मैंने खुद अपने खर्च पर ही उन अच्छा, बच्चियों को हेल्प की है कई बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स नहीं थे जो मेरे ध्यान में थे तो जितनी हेल्प मेरी अपनी ओर से हो सके वो भी मैंने की और सरकार की तरफ से कर पाई वो भी की उन लोगों की बाकी आप बात कर रहे थे जैसे बच्चियों के लिए हम क्या कर पाते हैं जो मैट्रिक कर गई आगे कुछ करना चाहते हैं तो इसमें ऐसा है कि जैसे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हमें लोकल पे वोकल अपने देश को बनाना है महिलाओं को उनके इसके प्रोजेक्ट के साथ जोड़ना है तो उसमें पहले तो मैंने अपने ही गांव में दस ग्रुप बनाए उस दस ग्रुपों के प्रधान भी मैं ही हूँ अच्छा। अच्छा। और हम उस ग्रुपों उन ग्रुपों के माध्यम से ब्लॉक की तरफ से जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश है ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को ना हम गांव-गांव में जाकर जैसे अचार पापड़ सर वगैरह या कोई स्टिचिंग करना चाहते हैं जैसे जूठ के बैग वगैरह हैं इन चीज़ों की ट्रेनिंग दी जा रही ताकि हम लोगों को आत्मनिर्भर बना सके okay. कुछ बच्चियाँ जैसे मैट्रिक करने के बाद दूर दराज इलाकों में स्कूल वगैरह होते हैं वो आगे नहीं पढ़ पाती है। हैं जहाँ पेरेंट्स की कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि वो आगे नहीं पढ़ा पाते हैं ऐसे बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर हम तक ऐसी बात पहुंचे तो हम उन लोगों की हेल्प कर सके इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये ट्रेनिंग गांव गांव में जाकर दी जा रही है उस ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत से लोग आत्मनिर्भर तो हो रहे हैं अपना सामान बनाकर जैसे लोकल के बोकल का नारा दिया हुआ है उसमें अपनी स्टैंप लगाकर हम बड़े से बड़े बाजारों में ये भी सरकार ने जैसे एक पोर्टल बना दिया है जे पोर्टल उसमें ही सारी चीजें बेची जा रही है जो भी महिलाएं घर में बैठ कर को कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं इससे क्या है महिलाओं को बड़ी अच्छी खासी इनकम मिल रही है और घर बैठे ही काम हो रहा है इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और हमारे यशस्वी सी एम साहब श्री जयराम ठाकुर जै की जी का भी बड़ा धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ऐसी अनेकों स्कीमें हमारे गाँव के लिए लाई हैं जल शक्ति के मिशन के अंदर भी देखो घर घर नल पहुंचाने का घर घर पानी पहुंचाने का भी उनका जो एम था वो भी काफी सफल रहा सभी लोगों को पानी पीने के लिए मिल रहा है कोई भी घर है, ऐसा नहीं है जहाँ पानी नहीं किसी को पीने के लिए वो आपके माध्यम जी हाँ जी हमारे जी। जैसे हमारे लीडर श्री सतपाल सिंह सत्ती जी हैं उनकी बहुत कड़ी मेहनत हमारे एरिया के लिए क्योंकि हम तो जाकर सतपाल जी के पास फॉर्म दे हैं कि बाजी ये ये काम काम होना है, काम होना है है तो वो सीधा ही जाकर सी साहब से बात करते हैं कैबिनेट में और कोई भी जो कि की, की मांग होती है, को पास करवा कर हम लोगों को बहुत अच्छा तो अभी जैसे अब हम हाँ थोड़ा सा आध्यात्मिक के बारे में जी, बात करना चाहेंगे एक करना हां जी, बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ हमारी पार्टी बिल्कुल बिल्कुल और वो ऐसे काम कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा उन्ना उन्ना जो जिला है उसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करवाई है जी। और हमारा जो बसदेडा में एक स्टेडियम बन रहा है वो भी बनकर तैयार हो रहा है एक लाख एक करोड़ सत्तर लाख का बहुत अच्छी बात है सतपाल जी की देन है एक बसदेड़ा में हमारा हॉस्पिटल है अच्छा वो भी चार करोड़ पैंतीस लाख का बनकर तैयार होने जा रहा है जिसमें तीस बेड लगेंगे और सतपाल जी की बड़ी बड़ी बहुत बड़ी देन है और अभी पिछले हफ्ते उन्होंने हमें एक दी है जी। एक सौ आठ नंबर एम्बुलेंस जो कि बहुत बड़ी देन है हमारे लिए सतपाल बहुत अच्छी बात है जैसे कि अभी मैं आध्यात्मिकता के बारे में बात करना चाहती हूँ आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े और जैसे आप जुड़े आपको इसमें आ, क्या चीज अच्छी नजर आई कि हाँ भाई नहीं ये संस्था है यहाँ पे हमें जाना चाहिए क्योंकि आपके बारे में बहुत सुना कि आप तो सहयोगी भी है साथ साथ में इसके बारे में बातचीत भी करते हैं। क्या एक अच्छा आपको मैसेज लगा इसका मैसेज बहुत ही अच्छा लगा जैसे हम कह सकते हैं जी। देखो जी मानस देह हमारी है ना जैसे मानस शरीर हमें पता नहीं कितनी जोनियों के बाद मिलता है आप लोगों की सेवा भावना देखकर हमारा मन बड़ा ही खुश होता है कि आप अपना सब कुछ जैसे कहते हैं ना अपनी लाइफ की सभी चीजों को छोड़कर आप इस संस्था के साथ जुड़े हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं परमार्थ की ओर ले जा रहे हैं जगह जगह जाकर जग आप लोगों ने अपने सेंटर बनाए हुए हैं लोगों को जागरूक करें और बहुत से लोग आपके साथ जुड़ भी रहे हैं। हम भी आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं आप लोगों की संस्था के साथ जुड़ने के बाद ये है कि आदमी को आप एक ज्ञान देते हैं कि हमें हमारा जो जीवन का मेन एम है वो परमात्मा का ध्यान करना ही है बाकी संसार में कुछ नहीं साथ जाएगा तो परमात्मा का नाम ही जाएगा जो आप जी ने काम कर रहे हैं इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ आपकी संस्था को क्योंकि जो काम आप लोग कर रहे हैं वो शायद हजारों में से कोई एक होगा जो अपना सुख सुविधा को छोड़कर जन मानस की सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बहुत बहुत। अच्छा आपका बहुत, बहुत, आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि एक मैसेज आपकी तरफ से भी हमारी जनता के लिए जाना चाहिए मैम ब्रह्मा कुमारी जी के बारे में हमने लगभग काफी साल वर्षों से सुना है जिसमें एक सरल और सिंपल जीवन व्यतीत करना पड़ता है और ऐसा जीवन व्यतीत करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और आपको हम कोटि कोटी नमन करते हैं जिन्होंने जे ब्रह्मा कुमारी जी का कार्यक्रम चलाया हुआ है और हमें जे जानकर बहुत खुशी है कि इसके साथ आप जुड़े और हम चाहते हैं कि और लोग भी आपके साथ जुड़े और हर किसी को ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि ऐसा जीवन व्यतीत करो जो बाद में हमें काम आएगा बहुत आपने आ, जैसे कि आप लोगों ने सुना और देखा कि जैसे कि दोनों ही इस तरह से इस ज्ञान में जुड़े और आज दिन तक इन्होंने जो कार्य किया जो विकास लाया कि हर एक महिलाओं को इस तरह से अपने जीवन जीने का अधिकार है मुझे उम्मीद है कि आप भी आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे आप हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी मित्रों अगली कड़ी में फिर से एक नए आदर्श के साथ नए एक मेहमान के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे फिर से एक बात कहना चाहती हूँ हर महिला को जीने का अधिकार है आगे बढ़ने का अधिकार है आप एक कदम बढ़ाएंगी तो समाज आपके साथ हर कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहेगा अगली कड़ी में फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार ओम शांति